जनरल डायरी कर रहा है। सोचिए एक महिला के ऊपर खुले रास्ते में उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और गालगोलडांगा थाना पुलिस एक एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये हमला चला रहा है, जितना इलेक्शन नजदीक आएंगे वैसे उन लोग का हमला भी बढ़ेगा। ये तो हर वक्त बोलता है, ये तो हर वक्त बोलता है। आज अभी हम थाना में जब डेपुटेशन देने गए ना, देख रहा था ममता बनर्जी बोल रहा था जो संदेश खाली में जो गणधर्षण जो हुआ है वो बकवास है, फोकस है, झूठ है। तो ये तो बोलेगा ये लोग, इन लोग का नया बात क्या है? वो तो जैसे हमारा राज्य के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, से राज्य देश का प्रधानमंत्री है, इन लोग का झूठ का ऊपर में ये लोग टिका हुआ है। नारकोलडांगा थाना के जो पुलिस है उनके पास उनके बीबी उनके बच्चे जाकर करीबन 15 दिन से कंप्लेन कर रहा था कि इन गुंडों ने घर में आकर हमारा घर में तोड़फोड़ कर रहा है, हम लोगों को हमारे अंदर दहशत फैला रहा है, हमें मारपीट कर रहा है, आप लोग एक्शन लीजिए। मगर पुलिस किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक तारीख देश भर में लोकसभा चुनाव की लहर है, वहीं बंगाल में भी हिंसक घटनाओं का सिलसिला बरकरार है। 36 नंबर वार्ड के कांग्रेस प्रेसिडेंट इमाम अंसारी की जिस तरह निर्मम हत्या की गई उसके खौफ से अब भी लोग उबर नहीं पाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा ऐसी हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने व इमाम अंसारी के हत्यारे को सजा दिलाने की मांग को लेकर नारकोलडांगा थाने में डेपुटेशन दिया गया ताकि भविष्य में पुलिस ऐसी घटनाओं को लेकर सतर्क और सजग रहे। कांग्रेस का आरोप है कि बार बार निवेदन करने पर भी नारकोलडांगा थाने के पुलिस ने इमाम अंसारी और उसकी पत्नी की शिकायत पर गौर नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तृणमूल के गुंडों ने इमाम अंसारी की हत्या कर दी, क्योंकि इमाम उनके भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। नहीं, उसको कत्ल किया गया है। इससे बड़ा बात यह है कि नारकोलडांगा थाना के जो पुलिस है उनके पास उनके बीबी उनके बच्चे जाकर करीबन 15 दिन से कंप्लेन कर रहा था कि इन गुंडों ने घर में आकर हमारा घर में तोड़फोड़ कर रहा है, हम लोगों को हमारे अंदर दहशत फैला रहा है, हमें मारपीट कर रहा है, आप लोग एक्शन लीजिए। मगर पुलिस किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक तारीख को जिस दिन रात को ये घटना हुआ उस दिन शाम को उनको रास्ते में पकड़ के उन गुंडों ने बेइज्जत किया, उनको धमकी दिया, वो नारकोलडांगा थाना में गया, बोला देखिए हमको रास्ते में पकड़ के उन लोग बेइज्जत किया है, हमें धमकी दे रहा है, खून करने का धमकी दे रहा है, आप लोग एक्शन लीजिए, हमको लगता है ये लोग बड़ा कोई कांड करेगा। नारकोलडांगा थाना 5 घंटा उनको बैठा के रखा है, उनका ना एफआईआर लिया ना कंप्लेन लिया। जब हमारे साइना जावेद उन्होंने कंप्लेन किया थाना में नारकोलडांगा में फोन किया तब बोला कि हाँ हम लोग एक जनरल डायरी कर रहा है। सोचिए एक महिला के ऊपर खुले रास्ते में उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और गालगोलडांगा थाना पुलिस एक एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर पुलिस अगर एक्शन लिया होता तो इमामुद्दीन अंसारी को इतनी बेरहमी से उन्हें कत्ल नहीं होना पड़ता, उन्हें मरना नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पुलिस का साजिश था, क्योंकि जिस दिन उन लोगों ने मर्डर किया है जो मूल उनके जो मेन आदमी था पहला जाके नारकोलडांगा थाना में सरेंडर किया और बाकी जाके लाल बाजार में सरेंडर किया। इसके मतलब पुलिस तृणमूल कांग्रेस मिलकर वहां के काउंसिलर उनके तमाम कार्यकर्ता मिलकर ये प्रोग्राम लिया कि इमामुद्दीन अंसारी को हटाना होगा, क्योंकि उस एरिया में जो ड्रग का धंधा चलता है, जो पार्किंग का धंधा चलता है, जो गैर शराब का धंधा चलता है, गांजा का धंधा चलता है, इसको बंद करने के लिए इमामुद्दीन लड़ रहा था। इसके पहले भी हम लोग नारकोलडांगा थाना में डेपुटेशन किया लेकिन कोई काम नहीं हुआ, इसलिए उन लोग फैसला कर लिया था क्योंकि पैसा दोनों के पॉकेट में जाता था, पुलिस वालों के भी जाता था और तृणमूल कांग्रेस का नेताओं के पॉकेट में भी जाता था, इसलिए उन लोग मिली भगत करके उन्होंने इमामुद्दीन अंसारी को इस दुनिया से हटा दिया है। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं पुलिस और तृणमूल। हाँ, बड़ा इल्जाम तो लगा ही रहा है। मैं जानता हूं अगर पुलिस इन्वॉल्व नहीं होता तो उस दिन रात को जब उनका वाइफ कंप्लेन कर रहा है, वो कर रही है कंप्लेन, तो पुलिस कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कोई एक्शन तो लेना चाहिए था। डिपोर्टेशन दे रहे आप लोग का डिमांड क्या? हमारा डिमांड यही है कि आप लोग पुलिस को हम लोग दे रहे हैं कि आप लोग जो कांड हुआ है
जो ये कांड किया उनको कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए। और हर थाना को हम लोग ये कर रहे हैं, सजा कर रहे हैं कि आप लोग सजाग रहिए कि ऐसा कोई कांड आपके थाना एरिया में होना नहीं चाहिए। मगर हर थाना ऑफिसर ने ही बोला कि हम लोग सजाग है, अगर कोई भी ऐसा कोई बात अगर आप लोगों को समझ में आता है आप हम लोग को रिपोर्ट कीजिए, हम लोग तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेगा। अगर ये एक्शन नलगोलडांगा थाना लेता तो आज इमामुद्दीन अंसारी को मरना नहीं। मरने का खास मकसद यही है, पिछले एक तारीख के दिन हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट 36 नंबर वार्ड के इमामुद्दीन अंसारी, इनको बेरहमी से पिछले एक तारीख के दिन में इसका ऊपर हमला हुआ और हमला करने वाले तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं। और जैसे जैसे देख रहा है जो तृणमूल कांग्रेस बीजेपी का जो सिचुएशन, जो राजनीतिक परिस्थिति है, दिन पर दिन लोगों से बिछड़ रहा है। और तभी वो हमारे वामपंथी के ऊपर में, कांग्रेस के ऊपर में ये हमला चला रहा है। जितना इलेक्शन नज़दीक आएंगे उससे उन लोग का हमला भी बढ़ेगा। कांग्रेस ये तो हर वक्त बोलता है, ये तो हर वक्त बोलता है। आज अभी हम थाना में जब डेपुटेशन देने गए ना, देख रहा था ममता बनर्जी बोल रहा था जो संदेश खाली में जो गणधर्षण जो हुआ है वो बकवास है, फोकस है, झूठ है। तो ये तो बोलेगा ये लोग का नया बात क्या है। वो तो जैसे हमारा राज्य के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, से राज्य देश का प्रधानमंत्री है, इन लोग का झूठ के ऊपर में ये लोग टिका हुआ है। ये लोग हकीकत को इनकार कर रहा, नहीं मान रहा। कांग्रेस हर जगह नहीं, हमारे वर्कर, हमारे कारकुन, हमारे जो कर्मी हम लोग से बिछड़ जा रहा खून हो रहा, हम लोग प्रतिबद्ध नहीं जानाएंगे। ये हम लोग पूरे कलकत्ता में, खास तौर पर सेंट्रल कलकत्ता का जितना थाना है उसमें आज हम लोग इस तरीके का डिपोजिशन दिए। डिमांड है यह, जो जिस तरीके का घटना पिछले एक तारीख को हुआ था, आइंदा दिन में इस तरीके का घटना हमारे बंगाल में, कलकत्ता में नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर में थाने वाले को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग बोले थोड़ा नजर रखिए।